नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं खबर फटाफट की तरफ। इंदौर में 25,000 दुकानदार रोजाना लगभग 5.5 करोड़ रुपए के तंबाकू उत्पाद बेच देते हैं। इसमें गुटखा पाउच खाने और सिगरेट पीने वाला व्यक्ति रोजाना 23 रुपए खर्च कर रहा है। वहीं दुकानदार रोजाना करीब 2300 रुपए के तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं। ये खुलासा शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में तंबाकू उत्पादों पर आयोजित कार्यशाला में मध्य प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन MP चैप्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश सिन्हा ने किया। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मलेरिया की रोकथाम व मरीजों की जांच के लिए मैदानी अमले को अलर्ट कर दिया है। इसके लिए ANM और आशा कार्यकर्ताओं को लोगों को जागरूक करने की ट्रेनिंग दी गई है। CMHO डॉक्टर HN नायक ने मच्छरों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम के सहयोग से अभियान चलाने की बात कही। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मैकेनिक और उसके भाई पर पिता पुत्र ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने रमजान शेख निवासी कोहिनूर कॉलोनी की शिकायत पर आजम खान और उसके बेटे दानिश खान निवासी कोहिनूर कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पलासिया पुलिस ने चंद्रलोक कॉलोनी निवासी पेट्रोल पंप संचालक अनिल लड्डा के सूने घर से लाखों की ज्वेलरी और कैश चुराकर भागे नौकर नाबालिग निवासी राजस्थान को पकड़ लिया है। आरोपी से ज्वेलरी और कैश भी बरामद कर लिया है। बैंक मैनेजर महेंद्र पिता लाल सिंह चंद्रावत निवासी राजेंद्र नगर की घर चोरी हो गई। वे परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए थे, तब चोरी की घटना हुई। फरियादी की रिपोर्ट पर राजेंद्र नगर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र उज्जैन में SBI बैंक में पदस्थ है। वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक को ब्लैकमेल करने वाली पत्रकार सलोनी अरोरा की तलाश में इंदौर पुलिस ने शुक्रवार शाम मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में दबिश दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही वो दिल्ली से भाग गई। पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दो और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें एक साकेत धाम निवासी 7 साल का बच्चा है, वहीं दूसरा मरीज सोमानी नगर का निवासी है। हालांकि इनकी हालत में सुधार है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के साथ मिलकर मच्छर और लार्वा को नष्ट करने का अभियान चलाया। सऊदी अरब में हाजियों की खिदमत करने के नाम पर लोगों को विदेश भेजने वाले एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के संचालक मजहर अहमद फारूकी और उसके साथी सुल्तान फारूकी पर तुकोगंज पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने कुछ दिनों में शहर के 125 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए लूट लिए थे। इंदौर में परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान के दौरान बिना परमिट के रतलाम से इंदौर आ रही एक बस को रोका और दस्तावेज मांगे, तो चालक दिखा नहीं पाया। जांच में पाया कि बस पर टैक्स भी बकाया था, इसलिए इसे जब्त कर लिया गया। वहीं जांच के दौरान एक अन्य बस भी टैक्स बकाया होने के बाद चलती पाए जाने पर जब्त की गई। इसी तरह दो डंपर भी टैक्स बकाया होने पर जब्त किए गए। 15 साल पुरानी 14 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस आरोपी पर बैंक डकैती सिद्ध नहीं कर पाई। इस पर आरोपी शूटर आनंद शांडियाल को जिला कोर्ट ने बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश के शार्प शूटर बदमाश आनंद शांडियाल ने बापट चौराहे स्थित देना बैंक में सितंबर 2003 में डकैती डालकर 13,95,000 रुपए की लूट की थी। इसमें पुलिस ने शांडियाल व अन्य के खिलाफ डकैती का केस दर्ज किया था। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप के लिए 25,000 के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में अगस्त से 62,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं सरकारी शिक्षकों को 15 अगस्त से जैकेट पहनकर पढ़ाना अनिवार्य होगा। इंदौर के मॉडर्न मेडिकल कॉलेज के संचालक और चेयरमैन डॉक्टर रमेश बदलानी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बहुत बरस के बदलानी की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन देने के नाम पर उन्होंने उनसे करोड़ों रुपए फीस के रूप में ऐंठ लिए और बच्चों को धोखे में रखा। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंदौर विकास प्राधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित खाते में से 2,12,00,000 रुपए जब्त कर लिए। वसूली अधिकारी पवन बंसल ने बताया कि IDA ने 1986 से 1987 तक और 1995 से 2016 के दौरान PF राशि भरने में चूक की थी। इसमें विभाग ने अप्रैल 1996 में आदेश पारित किया था, तब से ये मामला कानूनी वाद में चल रहा है, जिसके चलते वसूली नहीं हो सकी है। विभाग ने IDA के खाते से ये राशि जब्त कर ली है।
इंदौर नगर निगम ने शहर में दूरसंचार कंपनियों या अन्य स्तरों से केबल लाइन डालने की खुदाई की मांग की गई थी। अनुमतियां फिलहाल निरस्त कर दी गई है। निगम आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक अगले आदेश तक नई अनुमति दी भी नहीं जाएगी। 100 साल पुराने दिगंबर जैन समाज के चुनाव में चल रहे विवाद के बीच समाज दो धड़ों में बढ़िया समाज के चुनाव 22 जुलाई को होंगे। सूची भी पुरानी 1619 सदस्यों की होगी, लेकिन दोनों गुट अलग अलग चुनाव करवाएंगे। दिगंबर जैन समाज के 23 साल में चुनाव से ये पहला मौका है जब इतना विवाद हुआ और दोनों गुट अलग अलग चुनाव करवा रही है। इंदौर के फूटीकोठी रोड स्थित मनी सेंटर का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। हाई कोर्ट ने आईडीए को फिर से आदेश देते हुए मनी सेंटर की भी सभी दुकानें खोलने को कहा है। कोर्ट ने आईडीए की पूरी कार्यवाही ही निरस्त कर दी। गुरुवार को लीजधारी की याचिका पर कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। मनी सेंटर की 51 दुकानें और प्रथम तल पर बने हॉल आदि सभी खोलने के आदेश जारी हुए हैं। शहर में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और 5 राज्यों के चीफ जस्टिस इंदौर में रहेंगे। वे जुवेनाइल जस्टिस पर हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकर, जस्टिस दीपक गुप्ता बतौर अतिथि शरीक होंगे। मध्य प्रदेश के एकमात्र आईपीएस अफसर डीआईजी हरिनारायण मिश्र को वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। दिल्ली में पूर्व सेना अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह शनिवार को उन्हें पुरस्कार देंगे। इस पुरस्कार के लिए 11 आईपीएस चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के आईपीएस अफसर को आदर्श पुलिसिंग, लूटपाट व चाकूबाजी करने वाले गुंडों के मकान पर चलाए गए बुलडोजर की कार्यवाही की सराहना करते हुए इस पुरस्कार की श्रेणी में रखा है। इंदौर नगर निगम स्वच्छता सर्वे 2019 की तैयारियों के तहत गंदगी फैलाने वाले लोगों पर तगड़े स्पॉट फाइन का नियम लागू कर दिया गया है। जो रहवासी घर का गीला सूखा कचरा अलग नहीं करेंगे, उन पर निगम अधिकारी अधिकतम ₹1,000 का दंड कर सकेंगे। व्यावसायिक श्रेणी में यदि कोई संस्थान गीला सूखा कचरा अलग नहीं करेगा तो उसे ₹5,000 तक का स्पॉट फाइन भरना पड़ सकता है। जन्मदिन की पार्टी में युवती से छेड़छाड़ को लेकर दो युवकों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कनाडिया पुलिस ने गुरुवार रात शालीन पिता सुरेंद्र सरवार निवासी मनभावन नगर बंगाली चौराहा की शिकायत पर जसमीत उर्फ यश पिता हरचरण सिंह बग्गा निवासी शिवधाम कॉलोनी लिम्बोदी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। वहीं यश की शिकायत पर शालीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबर फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।